हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनमोल क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इस वीडियो हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अभी इसी वीडियो में करने से पहले हम थोड़ा सा सिंस और फॉर का यूज देखेंगे, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। इसलिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे यूज ऑफ सिंस और फॉर। कब हमें सिंस का प्रयोग करना है, कब यूज का प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों, जो सिंस का प्रयोग करना है, आप ऐसे करके समझेंगे कि जैसे आपको कोई टाइम दिया हुआ है, जैसे मैं कुछ समय इसमें लिख देता हूँ 3 घंटे से 2 वर्ष से 5 दिन से 2 बजे से, ये कुछ समय दे रखे हैं। या एक और लिख लीजिए आप 1994 से, ऐसे कुछ समय आपके सेंटेंस में दिए होंगे जिनमें आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। तो अभी हम देखेंगे सिंस और फॉर का यूज हमें कब करना है। तो सिंस का यूज बच्चों आपको करना है जैसे कोई समय दे रखा होता है, जैसे मैं इसी समय की बात करता हूँ 3 घंटे से। तो प्यारे बच्चों, एक बात मुझे बताइए, 3 घंटे में आप समय फिक्स मेरे को बता सकते हो कि 180 मिनट्स हैं। आ जाइए अंदर, आ जाइए प्रिंस, आए 180 मिनट्स। ऐसे मैं आपसे पूछूं 2 वर्ष के अंदर जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 365 × 2 इतने डेज हो जाएंगे, यानी कि फिक्स आप मेरे को बता पा रहे हो। लेकिन मैं आपसे 5 दिन का कहूँ, 5 दिन का भी आप मेरे को बता दोगे 24 × 5 आवर्स हो जाएंगे। ऐसे मैं आपसे 2 बजे का समय पूछूं कि 2 बजे के समय में कितने मिनट कितने घंटे होंगे, तो आप 2 बजे में कितने मिनट या आर्स ये आप नहीं बता पाओगे। क्योंकि यदि मैं आपसे 2 बजे का टाइम पूछता हूँ तो आप इसमें ये नहीं बता सकते कि 2 बजे में कितने मिनट्स होते हैं, कितने आर्स होते हैं। ऐसे ही 1994 से में इस समय में आप ये नहीं बता सकते कितने मंथ कंप्लीट हो गए या कितने ईयर कंप्लीट हो गए। तो इन दोनों समय से बच्चों एक चीज़ हमें समझ में आती है कि जो पहले वाले जो 3 समय मैंने लिखे हैं, इनमें जो है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि इनमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और लास्ट पॉइंट भी है। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप प्रयोग करेंगे किसका, फोर का। लेकिन इन दोनों समय में 2 बजे से और 1994 में केवल और केवल आपको दे रखा है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या दे रखा है बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा तब आप प्रयोग करेंगे सिंस का। तो ये था सिंस और फॉर का यूज। अभी इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इधर आ जाओ, वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा उतारने के लिए, आपके लिए समय दूंगा। तो सेंस और फॉर का यूज अभी आप सीख सकेंगे। अभी आगे कुछ सेंटेंस करेंगे हम, उसमें आप अच्छे से सीख जाओगे। आप एक कुर्सी ले लो और यहाँ बैठ जाओ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप पहचानेंगे कैसे। कहीं भी हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसकी एक पहचान होती है बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। अच्छा, इसमें एक वचनकर्ता
या आप कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करेंगे हम हैज बीन का, और बहुवचन कर्ता के साथ में यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्रयोग करेंगे सॉरी हैव बीन का। ये चीज आप पहले भी जानते हैं कि एक वचन में हैज और बहुवचन में हैव का प्रयोग करते हैं हम। और सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अफर्मेटिव की, किसकी? नंबर एक अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद लगाएंगे हैज या हैव। इसके बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सॉरी कंटीन्यूअस कोई सा भी हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सभी के साथ में जब भी आपको कंटीन्यूअस दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, क्योंकि कंटीन्यूअस के साथ में आप आईएनजी को नहीं भूलेंगे। इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन फुल स्टॉप। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, राधा 3 बजे से अपनी किताब पढ़ रही है। तो ये है सेंटेंस। तो हमने देखा, देखो से तो ये रहा और रही है ये आ गया। तो हमने पहचान बताई थी इसकी, से रहा है, से रही है, से रहे। तो हमने देखा से रही है, तो हमने पहचान लिया इसको, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है राधा, राधा। इसके बाद राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करना हमें हैज। तो राधा हैज बीन, आफ्टर देन वर्ब लगाएंगे, तो वो क्या कर रही है? रीड अपनी किताब की। देखिएगा कोई भी लड़की हो यानी कि सी हो, सी के साथ में अपनी की स्पेलिंग लगाते हैं हम हर, तो हर बुक। अब देखो समय आ गया 3 बजे से, 3 बजे से में आप ये कैसा समय कि आपको मेरे को ये नहीं बता सकते कि 3 बजे से में कितने मिनट्स होते हैं या कितने आवर्स होते हैं, यानी कि ओनली ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस 3 o'clock। एक और सेंटेंस देखते हैं, रीडिंग होगा। हाँ इसमें क्या बच्चों थोड़ा सा गलती हो गई, क्योंकि मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पर आईएनजी लगाना ना भूलेंगे। वे 3 दिन से अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इधर देखेंगे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, तो दे के साथ में हम प्रयोग करेंगे दे हैव बीन। उसके बाद में याद करने के लगाएंगे लर्निंग, क्योंकि लर्न होती है, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे लर्निंग अपना पाठ की। अब दे के साथ अपने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे बच्चों? देयर चैप्टर कट तो नहीं ना भाई। अब देखिएगा ये आपका समय आ गया 3 दिन से, 3 दिन में आप मेरे को फिक्स बता सकते हो कि 24 into 3 hours होंगे, यानी कि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे फॉर, तो फॉर 3 days। अभी ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव कंप्लीट किया है, इसके आगे चलते हैं नेगेटिव पर। कितने मिनट का वीडियो हो गया भाई? हैं? अच्छा इसके बाद में आता है नेगेटिव। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करना है, इसके बाद नॉट, उसके बाद में बीन लगाना है, यानी कि हैज या हैव और बीन आएगा, बीन इन दोनों के बीच में आपको नॉट लगाना है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा देना लास्ट में। जैसे कि इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं, इसी वाले का, जैसे राधा 3 बजे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, राधा 3 बजे से अपनी किताब
नहीं पढ़ रही है। दिख तो रहा होगा, साफ दिख रहा है। तो देखिए कि इसको नेगेटिव बनाएंगे हम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे राधा, दिख रहा है भाई, कर तो नहीं रहा है, थोड़ी सी ऐसे लिख देता हूँ उसको, राधा एक वचन है। तो हैज, इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट बीन। आफ्टर देन वर्ब लगाएंगे हम रीड, इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। राधा हैज नॉट बीन रीडिंग। अब अपनी किताब की एक साथ में लगाएंगे, अपनी की स्पेलिंग मैंने बताया था, सी के साथ में क्या लगाते हैं, हर, हर बुक। इसके बाद ये समय आ गया 3 बजे से, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे सिंस, सिंस 3 o'clock। ठीक है, ये आपने एक नेगेटिव का देखा, एक और देख लीजिए नेगेटिव का, क्या फर्क पड़ रहा है, पेट्रोल तो भुग नहीं रही है। ठीक है, तो तुम 1994 से लंदन में रह रहे हो, भाई वास्तव में तो रह नहीं रहे, सॉरी इसको लंदन में नहीं रह रहे हो। ठीक है, रियलिटी है ये, तो इसको बनाएंगे यू हैव नॉट बीन। अब रहने की लगाएंगे लिविंग, क्या लगाएंगे भाई, लिविंग इन द लंदन 1994 से, भी ये क्या है भाई, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 1994। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी के बाद चलते हैं हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया, अभी से बता देता हूँ मैं। सिंगल इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, सॉरी इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो आप जानते हैं पहले 3 सेंटेंस में मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया कि जिनमें क्या शब्द पहले आता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं, और जिनमें क्या क्यों कब कैसे ये शब्द बीच में आते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो अभी मैं सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सिंगल इंट्रोगेटिव। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, हैज या हैव, आफ्टर देन सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। ये आपको मेनली जो स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ ना, ये स्ट्रक्चर याद करना, तभी आप सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। तो हैज हैव सब्जेक्ट बीन आफ्टर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगाना तो आप भूलेंगे ही नहीं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, जैसे क्या क्या तुम 3 घंटे से इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, कभी ना कभी तो किया होगा, क्या तुम 3 घंटे से इंतजार कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या की स्पेलिंग, वॉट नहीं लगानी, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है। क्या शब्द पहले आएगा तो हमें मेन वर्ब में से कोई एक लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें क्या है भाई, प्लूरल है, तो प्लूरल के अंदर हम क्या लगाएंगे, हैव, हैव यू, आफ्टर देन बीन, हैव यू बीन, अब लगाएंगे इंतजार करने की, तो इंतजार की वेट होती है इसमें, आई जोड़ देंगे वेटिंग। अब 3 आर की देखिए, 3 घंटे में आप मेरे को कैलकुलेट करके बता सकते हो कि 180 मिनट्स होते हैं, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो इसके लिए आप फॉर का यूज करेंगे, क्या करेंगे भाई, फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें नहीं भूलेंगे। एक डबल इंट्रोगेटिव का बताता हूँ आपको, डबल इंट्रोगेटिव में आपको स्ट्रक्चर क्या याद रखना है, ओनली ऑन, आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, जो 20 वाक्य में आएंगे ना, क्या क्यों कब कैसे, उनकी इस मीनिंग सबसे पहले लगा देनी है, और उसके बाद जो सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वही आपको कॉपी कर देना है। अब सिंगल इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी, और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये है एक सेंटेंस, इसका देख लेते हैं एग्जांपल। वह 3 महीने से आगरा
वह 3 महीने से आगरा में क्यों रह रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा इसमें क्यों आ रहा है, तो सबसे पहले इसी की मीनिंग हमें लगानी क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर है। तो वाई सब्जेक्ट एक बच्चा ना यानी कि सिंगुलर है, तो हम इसमें यूज करेंगे हैज का। वाई हैज ही बीन। अब रहने की क्या लगेंगे भाई, लिविंग, लिविंग इन द आगरा। 3 महीने में आप टाइम कैलकुलेट करके बता सकते हैं यानी कि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। फॉर 3 मंथ्स। तो ये था बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये मेरी आपसे एक हमें रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने जो भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें, जिससे वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से सीख पाएँ। थैंक यू क्लास।